लकड़गंज थाना अंतर्गत टेलीफोन एक्सचेंज चौक के पास इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पर दो वाहनों में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि दोनों वाहन वहीं जलकर खाक हो गए। दमकल विभाग के अनुसार मंगलवार को शक्ति माता नगर खरबी रोड निवासी हिमांशु घनश्याम चांदीकर मंगलवार सुबह करीब 10:30 बजे टेलीफोन एक्सचेंज चौक पर स्वरूप जिंदल के इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर अपनी दोपहिया वाहन क्रमांक MH 31 DJ 9765 में पेट्रोल भरवाने पहुंचा। इसी दौरान पेट्रोल पंप पर दूसरा वाहन क्रमांक MH 49 AQ 7256 को लेकर कुणाल मधुकर देवीकर जोनी मंगलवारी निवासी भी पहुंचा। दमकल विभाग के अधिकारी गुर्दे ने बताया कि इस दौरान इन दोनों वाहनों के चालकों में से एक ने अपने वाहन को बंद नहीं किया था। वहां पर पेट्रोल पंप के प्रबंधक पेट्रोल टेस्टिंग के लिए उसका जर्मन की कैन में सैंपलिंग ले रहा था। इस दौरान दोपहिया का इंजन शुरू करने के कारण दोपहिया में आग लग गई। दोपहिया वाहन चालक दुर्भाग खड़ा हुआ। आग ने जर्मन की कैन को भी चपेट में ले लिया। यह देखकर प्रबंधक ने कैन को दूर फेंका। तभी वहां खड़े हिमांशु की दोपहिया को भी आग ने पकड़ लिया। दोनों वाहनों को रॉड की मदद से खींचकर दूर ले जाया गया। जानकारी मिलते ही दमकल विभाग के 5 वाहन घटनास्थल पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। लकड़गंज थाने के उप निरीक्षक लोखंडे सहयोगियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि पेट्रोल पंप के प्रबंधक ने बताया कि युवक ने मोबाइल पर बात की जिसके कारण आग लगी, जबकि युवक ने इनकार किया है। हकीकत वहां लगे CCTV कैमरे से सामने आ जाएगी। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट। पुलिस स्टेशन ला माहिती मिळाली 10:30 वाजता दरम्यान की टेलिफोन एक्सचेंज चौक जवळील जिंदल इंडियन पेट्रोल पंप मध्ये आग लागली आहे म्हणून तर आम्ही लगेच माहिती मिळताच तिथे जाऊन पाहिले असता अग्निशमन दलाची गाडी आलेली होती। ते आग विझवण्याचा प्रयत्न करत होती। त्यामध्ये 2 गाड्यांचं नुकसान झालं, एक प्लेजर गाडी आणि पल्सर गाडी। अग्निशमन दलाची गाडी लगेच तिथं आल्यामुळे वेळेवर आल्यामुळे एक मोठा अनर्थ ठरला। ती आग जिंदल पेट्रोल पंपचे मॅनेजर सुनील आखरे हे एका बकेटमध्ये पेट्रोल वेगळं काढताना सॅम्पलिंगसाठी त्या कारणामुळे ते अचानक आग लागली आणि आगीचा मोठा भडका उडाला। अग्निशमन दलाची गाडी वेळेवरच आल्यामुळे फक्त 2 गाड्यांचं नुकसान झालेलं आहे, जीवितहानी टळली आहे।